बहन साथियों, साथियों आज पूरे देश के अंदर माननीय मनीष सिसोदिया जी के विषय में एक भ्रांति फैलाने का काम किया जा रहा है। उनके विषय में ये बात फैला गई है कि वो एक भ्रष्टाचारी है, जबकि मनीष सिसोदिया जी वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा में क्रांति करने का काम किया। मनीष सिसोदिया जी वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम किया। आज हम सभी लोग अखबारों और न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि उन पर उनके घर पर रेड होती है, उनके ऑफिस में रेड होती है, उनके गांव में रेड होती है, परंतु वहाँ ईडी सीबीआई को ना तो कोई रिश्वत मिलती है ना ही कोई साक्ष मिलता है। उसके बावजूद वो आज जेल में है। और आज एक खबर आती है कि माननीय मनीष सिसोदिया जी के ऊपर उनकी संपत्ति को कई करोड़ रुपए भी जब्त किया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी संपत्ति जो मात्र 5 लाख का एक फ्लैट है, उनकी संपत्ति जो मात्र 65 लाख, जो कि आज की वैल्यू है, उस समय में वो और भी कम रही होगी, वो एक फ्लैट जो दिल्ली में उन्होंने लिया, ये दो फ्लैट उनकी संपत्ति में है। ये दोनों संपत्तियाँ उस योजना, जिस योजना को ये भ्रष्टाचार की योजना बताते हैं, उससे पूर्व में लिए गए हैं। इन दोनों संपत्तियों का उस योजना से ना तो कोई मेल है ना कोई संयोग, उसके बावजूद भी लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और देश के अंदर उनकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। मेरा निवेदन आप तमाम लोगों से कि सभी लोग देश में शिक्षा क्रांति के जनक दिल्ली मॉडल में शिक्षा को बढ़ावा देने वाले माननीय मनीष सिसोदिया जी का साथ। जय हिंद, जय भारत।